ओम शांति। आज है 14 नवंबर 2021 की अव्यक्त मुरली। रिवाइज डेट है 23/11/99 मधुबन। आइए सुनते हैं बाबा के महावाक्यों को। वरदाता को राजी करने की सहज विधि। आज वरदाता बाप अपने वरदानी बच्चों को देख हर्षित हो रहे हैं। वरदाता के बच्चे वरदानी सब बच्चे हैं, लेकिन नंबर वार हैं। वरदाता सभी बच्चों को वरदानों की झोली भर करके देते हैं, फिर नंबर क्यों? वरदाता देने में नंबर वार नहीं देते हैं, क्योंकि वरदाता के पास अखुट वरदान है, जो जितना लेने चाहे खुला भंडार है। ऐसे खुले भंडार से कई बच्चे सर्व वरदानों से संपन्न बनते हैं और कोई बच्चे यथाशक्ति तथा संपन्न बनते हैं। सबसे ज्यादा झोली भरकर देने में भोलानाथ वरदाता रूप ही है। पहले भी सुनाया है, दाता, भाग्य विधाता और वरदाता, तीनों में से वरदाता रूप से भोले भगवान कहा जाता है, क्योंकि वरदाता बहुत जल्दी राजी हो जाते हैं। सिर्फ राजी करने की विधि जान जाते हो तो सिद्धि अर्थात वरदानों की झोली से संपन्न रहना बहुत सहज है। सबसे सहज विधि वरदाता को राजी करने की जानते हो? उनको सबसे प्रिय कौन लगता है? उनको एक शब्द सबसे प्रिय लगता, जो बच्चे एक व्रता आदि से अब तक हैं, वही वरदाता को अति प्रिय हैं। एक व्रता अर्थात सिर्फ पति व्रता नहीं, सर्व संबंध से एक व्रता, संकल्प में भी स्वप्न में भी दूजा व्रता न हो। एक व्रता अर्थात सदा वृत्ति में एक हो। दूसरा, सदा मेरा तो एक दूसरा ना कोई, यह पक्का व्रत लिया हुआ हो। कई बच्चे एक व्रता बनने में बड़ी चतुराई करते हैं। कौन सी चतुराई? बाप को ही मीठी बातें सुनाते कि बाप शिक्षक सतगुरु का मुख्य संबंध तो आपके साथ है, लेकिन साकार शरीरधारी होने के कारण, साकारी दुनिया में चलने के कारण, कोई साकारी सखा व सखी सहयोग के लिए, सेवा के लिए, राय सलाह के लिए साकार में जरूर चाहिए, क्योंकि बाप तो निराकार और आकार है, इसलिए सेवा साथी है। और तो कुछ नहीं है, क्योंकि निराकारी आकारी मिलन मनाने के लिए स्वयं को भी आकारी निराकारी स्थिति में स्थित होना पड़ता है। वह कभी कभी मुश्किल लगता है, इसलिए समय के लिए साकार साथी चाहिए। जब दिमाग में बहुत बातें भर जाएंगी तो क्या करेंगे? सुनने वाला तो चाहिए ना। एक व्रता आत्मा के पास ऐसी बोझ की बातें इकट्ठी नहीं होती जो सुनानी पड़े। एक तरफ बाप को बहुत खुश करते हो, बस आप ही सदैव मेरे साथ रहते हो, सदा बाप मेरे साथ है, साथी है, फिर उस समय कहाँ चला जाता है? बाप चला जाता या आप किनारे हो जाते हो। हर समय साथ है व 6-8 घंटा साथ है, वायदा क्या है? साथ हैं, साथ रहेंगे, साथ चलेंगे, यह वायदा पक्का है ना? ब्रह्मा बाप से तो इतना वायदा है कि सारे चक्र में 7 पाठ बजाएंगे। जब ऐसा वायदा है, फिर भी साकार में कोई विशेष साथी चाहिए। बाप दादा के पास सबकी जन्म पत्री रहती है। बाप के आगे तो कहेंगे आप ही साथी हो। जब परिस्थिति आती है, फिर बाप को ही समझाने लगते कि यह तो होगा ही, इतना तो चाहिए ही, इसको एक व्रता कहेंगे। साथी हैं तो सब साथी हैं, कोई विशेष नहीं, इसको कहते हैं एक व्रता। तो वरदाता को ऐसे बच्चे अति प्रिय हैं, ऐसे
बच्चों की हर समय की सर्व जिम्मेवारियां वरदाता बाप स्वयं अपने ऊपर उठाते हैं। ऐसी वरदानी आत्माएं हर समय हर परिस्थिति में वरदानों के प्राप्ति संपन्न स्थिति अनुभव करती हैं और सदा सहज पार करती हैं और पास विद ऑनर बनती है। जब वरदाता सर्व जिम्मेवारियां उठाने के लिए एवर रेडी हैं, फिर अपने ऊपर जिम्मेवारी का बोझ क्यों उठाते हो? अपनी जिम्मेवारी समझते हो तब परिस्थिति में पास विद ऑनर नहीं बनते, लेकिन धक्के से पास होते हो। किसी के साथ धक्का चाहिए? अगर बैटरी फुल चार्ज नहीं होती तो कार को धक्के से चलाते हैं ना, तो धक्का अकेला तो नहीं देंगे, साथ चाहिए, इसलिए वरदानी नंबरवार बन जाते हैं। तो वरदाता को एक शब्द प्यारा है, एक व्रता, एक बल एक भरोसा, एक का भरोसा दूजे का बल, ऐसा नहीं कहा जाता, एक बल एक भरोसा ही गाया हुआ है। साथ साथ एक मत, न मन मत न पर मत, एक रस, न और कोई व्यक्ति न वैभव का रस, ऐसे ही एकता एकांत प्रिय। तो एक शब्द ही प्रिय हुआ ना, ऐसे और भी निकालना। बाप इतना भोला है जो एक में ही राजी हो जाता है, ऐसे भोला नाथ वरदाता को राजी करना क्या मुश्किल लगता है? सिर्फ एक का पाठ पक्का करो, पांच साथ में जाने की जरूरत नहीं है। वरदाता को राजी करने वाले अमृत वेले से रात तक हर दिनचर्या के कर्म में वरदानों से ही पलते हैं, चलते हैं और उड़ते हैं। ऐसे वरदानी आत्माओं को कभी कोई मुश्किल चाहे मन से चाहे संबंध संपर्क से अनुभव नहीं होगी। हर संकल्प में, हर सेकंड, हर कर्म में, हर कदम में वरदाता और वरदान सदा समीप सम्मुख साकार रूप में अनुभव होगा। वह ऐसे अनुभव करेगा जैसे साकार में बात कर रहे हैं, उनको मेहनत अनुभव नहीं होगी। ऐसी वरदानी आत्मा को यह विशेष वरदान प्राप्त होता है, जो वह निराकार आकार को जैसे साकार अनुभव कर सकते हैं। ऐसे वरदानियों के आगे हजूर सदा हाजिर है। सुना? वरदाता को राजी करने की विधि और सिद्धि सेकंड में कर सकते हो, सिर्फ एक में दो नहीं मिलाना। बस फिर सुनाएंगे एक के पाठ का विस्तार। बाप दादा के पास अभी बच्चों के चरित्र भी हैं, तो चतुराई भी है। रिजल्ट तो सारी बाप दादा के पास है ना। चतुराई की बातें भी बहुत इकट्ठी हैं, नई नई बातें सुनाते हैं, सुनते रहते हैं। सिर्फ बाप दादा नाम नहीं लेते हैं, इसलिए समझते हैं। बाप को मालूम नहीं पड़ता, फिर भी चांस देते रहते हैं। बाप समझते हैं बच्चे रियल समझ से भोले हैं, तो ऐसे भोले नहीं बनो। अच्छा, विदेश का भी चक्कर लगाकर बच्चे पहुंच गए हैं। जानकी दादी, डॉक्टर निर्मला और जगदीश भाई विदेश का चक्कर लगाकर आए हैं। अच्छे रिजल्ट है और सदा ही सेवा की सफलता में वृद्धि होनी ही है। यूएन का भी विशेष सेवा के कार्य में संबंध है। नाम उन्हों का, काम तो आपका हो ही रहा है। आत्माओं को सहज संदेश पहुंच जाए, यह काम आपका हो रहा है। तो वहां का भी प्रोग्राम अच्छा हुआ। रशिया भी रहा हुआ था, उनको भी आना ही था। बाप दादा ने तो पहले ही सफलता का याद प्यार दे दिया था। भारत के एम्बेसडर बनकर गए तो भारत का नाम बाला हुआ ना। चक्रवर्ती बन चक्कर लगाने में मजा आता है ना। कितनी दुआएं जमा करके आए। निर्मल आश्रम, डॉक्टर निर्मला भी
चक्र ही लगाती रहती है। वैसे तो सब सेवा में लगे हुए हैं, लेकिन समय के प्रमाण विशेष सेवा होती तो विशेष सेवा की मुबारक देते हैं। सेवा के बिना तो रह नहीं सकते हो। लंदन, अमेरिका, अफ्रीका और ऑस्ट्रेलिया, आप लोगों ने यह चार जोन बनाए हैं ना। पांचवा है भारत। भारत वालों को पहले चांस मिला है मिलने का, जो करके आए और जो आगे करेंगे, सब अच्छा है और सदा ही अच्छा रहेगा। चारों ही जोन के सभी डबल विदेशी बच्चों को आज विशेष याद प्यार दे रहे हैं। रशिया भी एशिया में आ जाता है। सेवा का रिस्पॉन्ड अच्छा मिल रहा है, हिम्मत भी अच्छी है तो मदद भी मिल रही है और मिलती रहेगी। भारत में भी अभी विशाल प्रोग्राम करने का प्लान बना रहे हैं। एक एक को विशेषता और सेवा की लगन में मगन रहने की मुबारक और याद प्यार। अच्छा, सर्व बच्चों को सदा सहज चलने की सिद्धि को प्राप्त करने की सहज युक्ति जो सुनाई, इसी विधि को सदा प्रयोग में लाने वाले प्रयोगी और सहजयोगी, सदा वरदाता के वरदानों से संपन्न वरदानी बच्चों को सदा एक का पाठ हर कदम में साकार स्वरूप में लाने वाले, सदा निराकार आकार बाप को साथ की अनुभूति से सदा साकार स्वरूप में हाजिर अनुभव करने वाले, ऐसे सदा वरदानी बच्चों को बाप दादा का दाता, भाग्य विधाता और वरदाता का याद प्यार और नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। दादी जानकी से, जितना सभी को बाप का प्यार बांटते हैं उतना ही और प्यार का भंडार बढ़ता जाता है। जैसे हर समय प्यार की बरसात हो रही है, ऐसे ही अनुभव होता है ना। एक कदम में प्यार दो और बार बार प्यार लो, सबको प्यार ही चाहिए। ज्ञान तो सुन लिया है ना, तो एक ऐसे बच्चे हैं जिनको प्यार चाहिए और दूसरे हैं जिनको शक्ति चाहिए, तो क्या सेवा की? यही सेवा की ना। किसको प्यार दिया बाप द्वारा और किसको शक्ति बाप से दिलाई? ज्ञान के राजों को तो जान गए हैं, अभी चाहिए उन्हों में उमंग उत्साह सदा बना रहे। वह नीचे ऊपर होता है, फिर भी बाप दादा डबल विदेशी बच्चों को आफरीन शाबाश देते हैं। भिन्न धर्म में चले तो गए ना, भिन्न देश भिन्न रसम फिर भी चल रहे हैं और कई तो वारिस भी निकले हैं। अच्छा, महाराष्ट्र पुणा ग्रुप सभी महान आत्माएं बन गए ना। पहले सिर्फ अपने को महाराष्ट्र निवासी कहलाते थे, अभी स्वयं महान बन गए। बाप ने आकर हर एक बच्चे को महान बना दिया। विश्व में आपसे महान और कोई है? सबसे नीचे भारतवासी गिरे और उसमें भी जो 84 जन्म लेने वाली ब्राह्मण आत्माएं हैं वह नीचे गिरी, तो जितना नीचे गिरे उतना अभी ऊंचा उठ गए। इसलिए कहते हैं ब्राह्मण अर्थात ऊंची चोटी, जो ऊंचाई का स्थान होता है उसको चोटी कहा जाता है। पहाड़ों की ऊंचाई को भी चोटी कहते हैं। तो यह खुशी है कि क्या से क्या बन गए। पांडवों को ज्यादा खुशी है या शक्तियों को? शक्तियों को, क्योंकि शक्तियों को बहुत नीचे गिरा दिया था। द्वापर से लेकर पुरुषोत्तम ने ही कोई ना कोई पद प्राप्त किया। धर्म में भी अभी अभी फीमेल्स भी महामंडलेश्वरियां बनी हैं, नहीं तो महामंडलेश्वर ही गाए जाते थे। जब से बाप ने माताओं को आगे किया है तब से उन्होंने भी दो चार मंडलेश्वरियां रख दी हैं, नहीं तो धर्म के कार्य में माताओं को कभी भी आसन नहीं देते थे। इसलिए माताओं को ज्यादा खुशी है और पांडवों का भी गायन है। पांडवों ने जीत प्राप्त कर ली। नाम पांडवों का आता है लेकिन पूजन ज्यादा शक्तियों का होता है। पहले गुरुओं का,
कर चुके हैं, अभी शक्तियों का करते हैं। जागरण गणेश व हनुमान का नहीं करते, शक्तियों का करते हैं, क्योंकि शक्तियाँ अभी खुद जग गई हैं, तो शक्तियाँ अपने शक्ति रूप में रहती हैं ना, या कभी कभी कमजोर बन जाती हैं। माताओं को देह के संबंध का मोह कमजोर करता है, थोड़ा थोड़ा बाल बच्चों में, पोत्रे धोत्रों में मोह होता है। और पांडवों को कौन सी बात कमजोर करती है? पांडवों में अहंकार के कारण क्रोध जल्दी आता है, लेकिन अब तो जीत हो गई ना, अब तो शांत स्वरूप पांडव हो गए और माताएं निर्मोही हो गई। दुनिया कहे कि माताओं में मोह होता है, और आप चैलेंज करो कि हम माताएं निर्मोही हैं। ऐसे ही पांडव भी शांत स्वरूप, कोई भी आए तो यह कमाल के गीत गाए कि यह सब इतने शांत स्वरूप बन गए हैं जो क्रोध का अंश मात्र भी दिखाई नहीं देता, नैन चैन तक भी नहीं आवे। कई ऐसे कहते हैं क्रोध तो नहीं है, थोड़ा जोश आता है, तो वह क्या हुआ? वह भी क्रोध का ही अंश हुआ ना। तो पांडव विजयी हैं, अर्थात बिल्कुल संकल्प में भी शांत, बोल और कर्म में भी शांत स्वरूप। माताएं सारे विश्व के आगे अपना निर्मोही रूप दिखाओ। लोग तो समझते हैं यह असंभव है, और आप कहते हो संभव भी है और बहुत सहज भी है। लक्ष्य रखो तो लक्षण जरूर आएंगे, जैसी स्मृति वैसी स्थिति हो जाएगी। धरनी में मात पिता के प्यार का पानी पड़ा हुआ है, इसलिए फल सहज निकल रहा है, अच्छा है। बाप दादा सेवा और स्वोन्नति दोनों को देख करके खुश होते हैं, सिर्फ सेवा को देख करके नहीं, जितनी सेवा में वृद्धि उतनी स्वोन्नति में भी, दोनों साथ साथ हों। कोई इच्छा नहीं, जब आपे ही सब मिलता है तो इच्छा क्या रखें। बिना कहे बिना मांगे इतना मिल गया है, जो मांगने की इच्छा की आवश्यकता नहीं, तो ऐसे संतुष्ट हो ना। यही टाइटल अपना स्मृति में रखना कि संतुष्ट हैं और सर्व को संतुष्ट कर प्राप्ति स्वरूप बनाने वाले हैं। तो संतुष्ट रहना और संतुष्ट करना, यह है विशेष वरदान, असंतुष्टता का नाम निशान नहीं। अच्छा, गुजरात ग्रुप, ब्राह्मण जीवन में लास्ट जन्म होने के कारण शरीर से चाहे कितने भी कमजोर हैं या बीमार हैं, चल सकते हैं, लेकिन मन की उड़ान के लिए पंख दे दिए हैं। शरीर से चल नहीं सकते, लेकिन मन से उड़ तो सकते हैं ना, क्योंकि बाप दादा जानते हैं कि 63 जन्म भटकते भटकते कमजोर हो गए, शरीर तमोगुणी हो गए हैं, तो कमजोर हो गए, बीमार हो गए, लेकिन मन सबका दुरुस्त है। शरीर में तंदुरुस्त नहीं भी, लेकिन मन में तो बीमार कोई नहीं है ना। मन सबका पंखों से उड़ने वाला है, पावरफुल मन की निशानी, सेकंड में जहां चाहे वहां पहुंच जाएं। ऐसे पावरफुल हो या कभी कमजोर हो जाते हो, मन को जब उड़ना आ गया, प्रैक्टिस हो गई, तो सेकंड में जहां चाहे वहां पहुंच सकता है। अभी अभी साकार वतन में, अभी अभी परम धाम में, एक सेकंड की रफ्तार है, तो ऐसी तेज रफ्तार है। सदा अपने भाग्य के गीत गाते उड़ते रहो, सदैव अमृत वेले अपने भाग्य की कोई ना कोई बात स्मृति में रखो। अनेक प्रकार के भाग्य मिले हैं, अनेक प्रकार की प्राप्तियां हुई हैं, कभी किसी प्राप्ति को सामने रखो, कभी किसी प्राप्ति को रखो, तो बहुत रमणीक पुरुषार्थ रहेगा। कभी पुरुषार्थ में अपने को बोर नहीं समझेंगे, नवीनता अनुभव करेंगे। नहीं तो कई बच्चे कहते हैं, बस आत्मा हूँ, शिव बाबा का बच्चा हूँ, यह तो सदैव कहते ही रहते हैं, लेकिन मुझ आत्मा को बाप ने क्या क्या भाग्य दिया है, क्या क्या टाइटल दिए हैं, क्या क्या खजाना दिया है, ऐसे भिन्न भिन्न स्मृतियां रखो, लिस्ट निकालो। स्मृतियों की कितनी बड़ी लिस्ट है। कभी खजानों की स्मृतियां रखो, कभी शक्तियों की स्मृतियां रखो, कभी
गुणों की रखो, कभी ज्ञान की रखो, कभी टाइटल की रखो। वैरायटी में सदैव मनोरंजन हो जाता है। कभी भी मनोरंजन का प्रोग्राम होगा तो वैरायटी डांस होगी, वैरायटी खाना होगा, वैरायटी लोगों से मिलना होगा, तब तो मनोरंजन होता है ना। तो यह भी सदा मनोरंजन में रहने के लिए वैरायटी प्रकार की बातें सोचो। अच्छा, वरदान कैचिंग पावर द्वारा अपने असली संस्कारों को कैच कर उनका स्वरूप बनने वाले शक्तिशाली स्वरूप भव। पुरुषार्थ का मुख्य आधार कैचिंग पावर है। जैसे साइंस दान बहुत पहले के साउंड को कैच करते हैं, ऐसे आप साइलेंस की शक्ति से अपने आदि दैवी संस्कार कैच करो। इसके लिए सदैव यही स्मृति रहे कि मैं यही था और फिर बन रहा हूँ। जितना उन संस्कारों को कैच करेंगे उतना उसका स्वरूप बनेंगे। 5000 वर्ष की बात इतनी स्पष्ट अनुभव में आए जैसे कल की बात है। अपनी स्मृति को इतना श्रेष्ठ और स्पष्ट बनाओ तब शक्तिशाली बनेंगे। स्लोगन, ब्राह्मण जीवन का श्वास खुशी है, शरीर भल चला जाए लेकिन खुशी न जाए। ब्राह्मण जीवन का श्वास खुशी है, शरीर भल चला जाए लेकिन खुशी न जाए। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। रोज मुरली सुनने के लिए आप शिव बाबा मुरली मधुबन चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि डेली शिव बाबा मुरली आपके पास सबसे पहले पहुंचे। ओम शांति।